हेलो दोस्तों, नमस्कार। होम्योपैथिक टच में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मेडिसिन के बारे में, यानी कि एक दवा के बारे में, जिसका नाम है जेरेनियम मैक्यूलेटम क्यूब। दोस्तों, आज हम लोग इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि यह मेडिसिन किस किस रोग या फिर किस किस बीमारी में काम आता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि कोई भी मेडिसिन यानी कि कोई भी दवा किसी भी एक रोग में काम नहीं आती, बल्कि वह एक से अधिक रोग या बीमारी में काम आती है। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाला अपडेट्स आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको धीरे धीरे सब कुछ मालूम हो जाएगा। जेरेनियम मैक्यूलेटम क्यू। दोस्तों, आज हम इस दवा के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इसके बारे में कहा गया है कि शरीर के किसी भी द्वार या किसी भाग से किसी भी बीमारी में प्रचुर मात्रा में रक्तस्राव क्यों न होता हो, इस दवा की शक्ति क्यू 10 बूंद की मात्रा में रामबाण है। आवश्यकता अनुसार 15 मिनट से लेकर 3 घंटे के अंतर से इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप ये वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखे होंगे, यानी कि आपको इस मेडिसिन यानी कि इस दवा के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी कि ये मेडिसिन किस किस रोग या फिर किस किस बीमारी में काम आता है। दोस्तों, अगर आपको इस मेडिसिन को लेनी हो यानी कि खरीदनी हो तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और रही बात इस मेडिसिन को कैसे खाया जाए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको और भी अलग अलग मेडिसिन के बारे में जानकारी लेनी हो या फिर अलग अलग रोग या बीमारी के बारे में जानकारी लेनी हो या फिर भोजन द्वारा चिकित्सा यानी कि हर घर में आसानी से उपलब्ध खाने या पीने के चीज़ों के द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज करने के बारे में जानकारी लेनी हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके साथ साथ औरों को भी इस मेडिसिन के बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आऊँगा एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय।